हेलो एवरीवन वेलकम टू डे वीडियो आज का दिन काफी स्लो है मार्केट में बट स्टिल देर आर सम ट्रेड्स टू फाइंड तो क्या है वो ट्रेड्स उनके बारे में बात करेंगे जनरल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट देखेंगे क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो चलो चलते हैं जल्दी से स्क्रीन की साइड एंड देखते हैं मार्केट्स में क्या चल रहा है सो so स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ इस एरिया को एंड यहां से देखो हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला हमने आपको बोला था दैट वी आर गोइंग लॉन्ग एंड इस लॉन्ग को हम किस तरीके से बिल्ड करेंगे मैंने आपसे डिस्कस किया था तो वी डिड टेक सम ट्रेड ऑन डी एंड लिंक का ट्रेड हमने क्लोज कर दिया था बट इथीरियम का लॉन्ग इज स्टिल एक्टिव एज यू कैन सी ये वापस से एंट्री पॉइंट पे आ गया है तो प्राइस उतना ही है बट हमारा जो इंक्रीज है यहाँ पे फंड्स का वो हो गया है सही से थ्री मंथ्स में अब आप देख सकते हो तो रफली एटी टू पॉइंट फाइव एट परसेंट पे अभी हम आ गए हैं जल्दी ही हम इसको हंड्रेड परसेंट करेंगे मतलब डबल हो जाएगा तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है आप देख सकते हो रिटर्न किस तरीके से वेरी करते हैं यहाँ पे अब बात करते हैं सबसे पहले हम बिटकॉइन की ही तो बिटकॉइन में आज क्या एक्सपेक्टेड है तो बिटकॉइन ने एक अच्छा जंप लिया लेकिन कुछ खास मोमेंटम हमें साथ में नहीं दिखा है एसपीएक्स को अगर हम देखें एसपीएक्स ने एज एक्सपेक्टेड यहां से बाउंस लिया एंड अब ये ऊपर वाले एरिया पे आ गया है फ्यूचर्स को अगर हम यहाँ पे देखते हैं एसपीएक्स के तो वी आर लुकिंग लिटल बिट पॉजिटिव लेकिन विक्स है माइनस तो वट कैन हैपन इन एसपीएस टूडे मेरे हिसाब से वी विल सी अर ओपनिंग ऑन द अपसाइड रफली इस एरिया पे हम ओपनिंग देख सकते हैं एंड इट इज अ रेजिस्टेंस एरिया तो गुड चांस कि हम यहाँ से पुल बैक लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में हल्का सा यहाँ पे पुल बैक आए एंड दैट इज व्हेन आई एम गोइंग टू टेक माय एंट्रीज यहाँ पे पुल बैक के आसार थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं तो मैं थोड़ा नीचे जाके अब लॉन्ग एंट्रीज फिल करूँगा जैसे हमने लिंक ऊपर जाके स्कैल पर बंद कर दिया था जब हमने डिस्कस किया था लिंक कुछ फाइव पॉइंट चल रहा था एंड वहाँ से हमें स्पॉट पर ढाई का अपसाइड देखने को मिल चुका है ऑलरेडी तो अगर आपने लॉन्ग लिया था वीडियो जस्ट देखने के बाद तो यू कुड हैव मेड गुड मनी एंड उसको टाइम बुक कर लो और फिर पीछे निकल जाओ अभी भी हम मूविंग एवरेज के नीचे ही हैं। अगर हम फोर तो यहाँ पे बिल्ड करेंगे जल्दबाजी है तो बिटकॉइन तो में हल्की सी जंप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन एंड हल्की सी जंप के बाद हो सकता है ये नीचे जाए अगर एसपीएक्स पुल बैक करता है क्योंकि एसपीएक्स यहाँ रजिस्टर पे आ गया है इसलिए मैं अपने लॉन्ग्स को लेकर इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं हूं मार्केट स्लो जरूर है लेकिन कुछ ट्रेड्स हैं जो हम फाइन कर पा रहे हैं जैसे आरबीएन का ट्रेड है जो कि हमने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया ठीक है हम इसमें अराउंड एट पॉइंट थ्री परसेंट प्रॉफिट पे चल रहे हैं एंड इसका ट्रेड के पीछे क्या हमारा लॉजिक था दैट वाज ऑफ कोर्स थार सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी तो अगर आप हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो तो यू कैन स्टिल फाइंड सम ट्रेड्स आई विल बी क्लोजिंग इट सून तो अब लेके कोई फायदा नहीं है इसके अलावा अगर हम बाकी चीजों को देखें हमने कल आरबी डिस्कस किया था आर्बी में हल्का सा बाउंस आया लेकिन ये वापस उसी एरिया में आ गया है तो इस एरिया पे स्पॉट बाइंग में थोड़ी बहुत करूंगा यूनिबॉट अगर हम देखें तो यूनिबॉट इज अराउंड वन चल रहा है इस प्रोजेक्ट पे नजर रखना जैसे कि मैंने कल भी बोला था इट कैन बी एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नाउ अगर धीरे धीरे तो मेरा जो लॉन्ग है उसको मैं हाँ पे यहाँ पे डीसीए करूंगा एंड यहाँ पे शॉर्ट्स मैं नहीं ले रहा हूँ कुछ कुछ ओल्ड कॉइन्स में जैसे फिफ्टीन मिनट्स थर्टी मिनट्स की स्ट्राटेजी से हम यहाँ पे ले रहे हैं शॉर्ट्स लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे अपने लॉन्ग्स पे ही फोकस करेंगे जब वो नीचे जाएगा तब हम वहाँ पे एंट्रीज को डीसीए करेंगे सो दैट विल बी माई प्लान फॉर टूडे दर इज नॉट मच गोइंग ऑन इन द मार्केट तो कुछ खास है नहीं डिस्कस करने के लिए तो so, वीडियो को शॉर्ट शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं मेक श्योर टू लाइक बटन सब्सक्राइब टू चैनल फॉर न्यू है थैंक यू फॉर वॉचिंग एन आलसी नेक्स्ट वन नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं पहला पफ मैं